और अब बात करते हैं राजस्थान के। राजस्थान में कोरोना का मीटर कहां तक पहुंच चुका है इसको जरा समझिए। पिछले 24 घंटे में राजस्थान में 6 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है, वहीं 279 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जयपुर में 4, 12 और जोधपुर में 1-1 मरीज की मौत हुई। भरतपुर में एक बार फिर से कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ, भरतपुर में 88 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। राजस्थान में अब तक 209 कोरोना की वजह से जान जा चुकी है। वहीं पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ अब बढ़कर 9652 हो चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और बड़ी खबर ये कि भरतपुर में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। भरतपुर में 88 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं अगर पूरे राजस्थान की बात की जाए तो पूरे राजस्थान में अब पॉजिटिव केसों की संख्या 9652 हो चुकी है। आप ये भी कह सकते हैं इनमें से 60% से ज्यादा रिकवर हो चुके हैं। जो बाकी आ रहे हैं उनमें से ज्यादातर प्रवासी हैं, लेकिन इस वक्त का आंकड़ा जो सामने आया उसने एक बार फिर से चिंता को बढ़ा दिया, क्योंकि लगातार दूसरे दिन यह आंकड़ा 250 को पार कर चुका है। एक बार फिर से लगभग 280 मामले कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। राजस्थान में अब तक 209 लोग ऐसे हैं जिनकी जान को बचाया नहीं जा सका कोरोना की वजह से, जिनकी जान चली गई। वहीं पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ बढ़कर अब 9652 हो चला है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जबकि जिन 6 लोगों की आज कोरोना की वजह से जान गई उनमें से 4 जयपुर के, 12 और जोधपुर से 1-1 मरीज है जिनको बचाया नहीं जा सका। इस दौरान एपिसेंटर के तौर पर भरतपुर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान के अलग अलग जिलों के अंदर अलग अलग वक्त में कोरोना पॉजिटिव सामने आए, और अब लगता है कि भरतपुर पर सबको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में ही 88 नए पॉजिटिव केस सामने आए और कल भी कुछ ऐसी तस्वीर भरतपुर से निकलकर सामने आई थी। मेरे सहयोगी विकास मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या यह कहा जाए कि अब सरकार और सिस्टम पूरा फोकस भरतपुर पर करेगी, क्योंकि लगातार दूसरा दिन जब इतने ज्यादा मामले सामने आए? देखिए विजेंद्र, लगातार तीसरा दिन है जब भरतपुर के अंदर बड़े स्तर पर मामले सामने आ रहे हैं। आज 88 अकेले केस जो भरतपुर सामने आए, लेकिन वही दूसरी ओर मोटोग्राफ भी आज एक बार फिर 6 लोगों की मौत हुई, जिसमें अकेले SMS अस्पताल जयपुर के अस्पताल के अंदर 4 लोगों की मौत हुई है। एक मौत जो है वो 12 के अंदर हुई है, दूसरी मौत जो है उसको लेकर के जोधपुर में हुई है। कुल मिला के 6 मौतें हुई है और 289 जो मामले जो सामने आए पॉजिटिव के, और ये सबसे ज्यादा मरीज जो है भरतपुर में सामने आए। लेकिन इस पूरे मामले में आंकड़ों के गणित में अगर हम देखें तो एक राहत भरी बात यह है कि आज एक्टिव केस की संख्या जो है माइग्रेंट जो पॉजिटिव आए हैं उनसे कम हो गई है। यानी कि अब माइग्रेंट जो बाहर से आए हुए थे वो भी अब उनकी भी तबीयत ठीक होने लगी है, वो भी पॉजिटिव से नेगेटिव होने लगे। लेकिन जिस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है पूरे राजस्थान के अंदर, वो सभी के लिए चिंता की बात है, लेकिन उसी अनुपात में मरीज ठीक होने का जो रेशो है वो भी यथावत है। जी जी बिल्कुल विकास, शुक्रिया तमाम।